दंगल के लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं बट क्या वाकई इतनी फिल्म अच्छी है या फिर कोई प्रमोशनल स्ट्रेटजी है ये सब हम बताएंगे इस वीडियो पे। अब तो दंगल होगा। दंगल वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ दिस ईयर एंड भाई हाउसफुल था फर्स्ट डे। यस हाउसफुल हो गई क्योंकि मेन रीजन हाउसफुल होने का था कि प्रमोशन बहुत अच्छे से किया था भले ही वो अमेरिकन फैक्ट फिट हो इंस्पिरेशन जो भी है ट्रेलर से लेके मेकिंग ऑफ दंगल गर्ल्स अमेरिकन फैक्ट फिट प्रमोशन बहुत बढ़िया किया लाइक हाउसफुल होना एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अमेरिकन को कि उनके फैन फॉलोइंग भले कुछ भी हो जाए भाई आप हमको मालूम है पिक्चर बनाते अच्छे हो एंड ऐसे टाइम पे जब 100 रुपए या 200 रुपए यहाँ वहाँ खर्च करने आज सोच रहा है बट आपकी मूवी आके देख रहा हूँ मुझे मूवी फाइव टाइम्स बेटर लगी बेटर थी यस डेफिनेटली ट्रेलर से ट्रेलर तो लाइक ऐसे लाइक टीज करके चले गए लाइक ये आने वाले इतना एक्सपेक्टेशन जो एंड में आमिर खान का बॉडी दिखा है वहाँ से लेके सब टीज इतना टीज गया ऑडियंस को तो जब मूवी देखते तो लगे हाइट एंड एक्सपेक्टेशन का यहाँ से यहाँ चले गए मूवी बस सबसे बेस्ट पार्ट थी जो मेरे को लगी मैंने अभी शॉर्ट्स की तो ट्रेलर की जो भी शॉर्ट्स थे मोस्टली जो मोस्टली जो स्टोरी बताई थी ट्रेलर के अंदर वो अहेड ऑफ द मूवी काफी स्टार्टिंग में मूवी में सब कुछ रिवील कर दिया था सो ऑडियंस आफ्टर अ टाइम डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट यस हालांकि सबको एंडिंग में पता था कि क्या होने वाला है बट जो ट्विस्ट है जो छोटे मोटे पीपल डिड नो इट सो दैट्स वाज अ वेरी गुड पॉइंट कि मूवी फॉरवर्ड लेके गई और काफी अच्छे से मजा आया और आई थिंक जो लेट्स व्हाट्स ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक थोड़ा बहुत ओवरऑल एक्सपीरियंस एक्टिंग सब लोग ने अच्छा किया बहुत बढ़िया किया मिस्टर परफेक्शनिस्ट से लेके ऑल ऑफ द दंगल गर्ल्स सब ने इतना परफेक्ट एक्टिंग किया जो हल्का हल्का इमोशन छोटे छोटे से एक्सप्रेशन महावीर जी का और एक अच्छी से स्टोरी ऑफ जर्नी ऑफ अ फादर ऑफ गीता ऑफ बबीता करे कनेक्ट किया और कैसे ऑडियंस जो कनेक्टिविटी दिखाया है इट्स लाइक ऑसम आमिर खान एज एक्टर परफेक्शनिस्ट और एज एन एक्टर एज जो डेडिकेशन दिया बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन का उसके लिए आपको एक्चुअली जो वीडियोस में दिखता है इस पे अगर आप मूवी में देखो तो नोटिसेबल तो है बट आपको नोटिस करना पड़ेगा उस चीज के लिए ऑब्वियस है ही इज नॉट फोकस्ड कि भाई ये मोटा है तो मोटे पे फोकस करो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर नॉर्मल जो एंगल से वही यूज किया हुआ है आपको देखना आप देख लो उसको पता है उसने मेहनत की लेकिन फोकस के मैंने मेहनत की हुई दिखाओ ही जस्ट नरेशन ने डायरेक्शन ने जो है अपना प्रॉपर अपने स्टोरी पे फोकस करने का ट्राई किया साक्षी तनवार साक्षी तनवार आई थिंक सो बिलीव दैट डेफिनेटली वाज प्रॉपर चॉइस लाइक जो विलेज हाउसवाइफ का जो रोल है जो कैरेक्टर जो निभाया है एकदम स्पॉट ऑन निभाया है नॉवल और काफी अच्छे से एक्सप्रेशन और जो एक्सेंट जो जो वहां का एक्सेंट जो निकाला प्रॉपर निकाला है शी लुक्स एक्चुअली लाइक अ मॉम अ वेरी केयरिंग प्रोटेक्टिंग मॉम बट स्टिल हेल्पलेस वेरी वेरी नाइसली डन इट लाइक कम डायलॉग्स है और बहुत कट टू कट डायलॉग्स है उनके भाई बट बहुत अच्छे से एक्सप्रेसिव एंड शी मेक्स अ मार्क यस एज अ चाइल्ड एक्टर क्या नाम था ज़ायरा ज़ायरा वसीम ने कैसा काम लगा जो दोनों चाइल्ड एक्टर्स थे उन लोग को भी डेडिकेशन के हैट्स ऑफ देना क्योंकि इतना छोटा उम्र भले ही इट्स अ मूवी बट रेसलिंग में डालना दैट टू गर्ल्स इट्स नॉट एवरी टाइम शी वॉक्स यू लाइक शी इज लाइक अ हीरोइन यस तो लाइक लोग जो पेन जो जर्नी जो एंडर किया है मूवी के लिए वो दिखता है स्क्रीन पे फुल उन लोग का एफर्ट्स जो एक्सप्रेशन सब दिखता है मूवी फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा अच्छी थी
सेकंड हाफ थोड़ा सा लेट डाउन कर देती है मेरे को लगता है। यस फर्स्ट हाफ वाज एक्साइटिंग था क्योंकि उन लोगों का ट्रेनिंग जो उन लोगों का जर्नी जिसको आमिर खान का जर्नी दिखाया स्टार्ट में और उन लोगों का ट्रेनिंग दिखाया लड़की को डेवलप करने का दिया वो थोड़ा एक्साइटिंग पार्ट था लाइक जो फन एक्साइटिंग पार्ट में जो फर्स्ट हाफ में मेनली कन्वे किया। सेकेंड हाफ में उन लोगों का पोस्ट जर्नी दिखाया मतलब क्या उन लोग ए पॉइंट पे पहुंच गए तभी क्या कर सकते हैं अभी लोग का क्या होने क्या मतलब क्या बना तो व्हाट रीजन बिकॉज़ first half is full of Aamir Khan, so it was like tightly gripping, everybody was into the movie, everybody was liking it. Suddenly second half is the start mein hai, Aamir Khan just goes missing for 10-15 minutes. And I felt like a movie has just little, slightly let below. Not for that moment only, like second half mein overall bhi movie ka pace thoda slow kar diya tha. Engaged nahi hota hai. But haan, utna problem nahi tha, utna pace slow karne ke bawajood bhi. Movie was quite very good in the second half also. हाँ बट थोड़ा फर्स्ट हाफ से कंपेयर करोगे तो सेकंड हाफ थोड़ा स्लाइटली लेट डाउन करता है। क्या लगता है डायरेक्शन कैसा था आपको? डायरेक्शन ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा द वे ही नरेट जो नरेशन जो जर्नी जो बंदा जो रहता है लड़का वो नरेट करता है पूरा स्टोरी। हाँ वो काफी ऋत्विक सुहाने ने बहुत सौर्य ने काफी अच्छा काम किया एंड यू फील लाइक यू नो यू कनेक्टेड टू दैट गाय या उसके लाइक हिज पॉइंट ऑफ व्यू लाइक फील ही मेड अ इंपैक्ट इन द फिल्म। स्टोरी इतनी अच्छी थी और स्क्रीन प्ले इतना अच्छा था कि डायरेक्शन थोड़ा बहुत इजी हो गया थोड़ा उनको भी थोड़ा लीनियंसी थोड़ा मिल गया क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी थी फिल्म की स्क्रीन प्ले जो काफी कुछ उन्होंने ट्राई टू पोर्ट्रे किया विद ऑल इमोशंस स्पेशली दैट आई लव दैट सीन व्हेन द फादर एंड द डॉटर काफी अच्छे से एंग्रोस रखा सबको ऑडियंस को और काफी अच्छे टाइमिंग पे आया सो हर जगह पे स्टोरी को आगे ही बढ़ाया मोंटाजेस को आगे बढ़ाया मोस्टली मोंटाजेस के लिए ही यूज किया हुआ है गाना और साइकिंग से एक ही जो एक प्रॉपर गाना यूज किया हुआ वो एडियट होता है थोड़े सेकंड्स के लिए बाकी सब तो मोंटाजेस के लिए ही यूज किया था बहुत अच्छे से यूज किया हुआ बाकी सब मोस्ट बाकी सब गाना मोस्टली तो सबको पता ही था ट्रेलर में तो एक ही का प्रॉपर गाना था जो इमोशनल गाना है। सो व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल व्हाट डू हाउ डू यू फाइंड दिस मूवी? ओवरऑल आई फाउंड दिस मूवी वेरी गुड वेरी इंस्पिरेशनल। पब्लिक को लग रहा था कि सुल्तान से काफी सिमिलर होगी बट मुझे नहीं लगा। यस इट्स नॉट सिमिलर टू सुल्तान लगेगा नहीं कि सुल्तान से थोड़ा भी इंस्पिरेशन है या किसी और मूवी से कोई भी इंस्पिरेशन है और काफी आपको सुल्तान की याद भी नहीं आएगी फिर सीधा मूवी था कुछ क्योंकि आपको ट्रेलर के टाइम पे लग रहा था कि सुल्तान ही दिख रहा है सुल्तान डायलॉग डिलीवरी बट इन द मूवी इट डजंट लुक लाइक इट। हाउ मेनी स्टार्स डू यू फील? आई फील 4.5 stars should be enough. Yes, this movie deserves 4.5 stars yes. out of 5. It deserves nothing less than 4.5 stars to be precise. I would have definitely give 5, but second half mein thoda let down kiya. Uske wajah se I think so I could have, we have to cut 0.5. But agar wo wahi pace, wahi gripping, wahi engrossment, wahi engagement rakhte, maintain rakhte to we could have given 5 stars for this movie. So I think so we will definitely recommend this movie. Yes. I think everyone should watch this movie. Yeah, everyone should watch this movie. I don't think so people will watch it once. Will watch it more than you once. You can watch this movie number of times. जब तक आपका पेट नहीं भरे, आपका दिल नहीं भरे, जब तक आँखें ना भरे, should watch this movie. ज़्यादा हो गया क्या? दिल तो नहीं भरे. So sorry. Emotion पकड़ो भावना. This is one of the best movies of this year, and this is like icing on the cake of New Year का आपको gift दे दिया kind of. Thank you guys for watching Straight Up Movie Reviews. Please hit the like button, share us, subscribe to our channel and do comment below on how did you find this movie or are you helpful? Ye saal aap log ne bahut pyar diya hame and we are very, very thankful to it and in the amount of gift you can say hum log kuch ek video banane wale aur jo aapko hint bola tha maine Dangal ke bare mein we gonna give you categories jiske hisab se aap nominations humko suggest kar sakte hain हम लोग अपने हिसाब से तो बनाएंगे बट अगर आपका सजेशन आएगा तो बी मोर बेटर इफ़ यू फील हम लोग एटीज बता देंगे उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे सो यू कैन सी दैट आई थिंक सो कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा यू कैन वॉच द वीडियो एंड टेल अस विच नॉमिनेशन यू फील इन विच कैटेगरी टू बी फिटेड टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।